हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू अंडा करी बनाने की रेसिपी। बिल्कुल अलग अंदाज में बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो आलू अंडा करी बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को छील करके अच्छे से और इसको हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने इस तरह के टुकड़े काटे हैं। अगर आप चाहें तो छोटे या बड़े जैसे भी समझ में आए वैसा काट सकते हैं। और अच्छे से धो ले आलू को। और यहाँ पर हमने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, यानी चौथाई टीस्पून, और चौथाई टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 2-3 पिंच हमने इसमें हल्दी पाउडर डालना है। थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए इसके लिए। अगर आप चाहें तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिला लेंगे। आलू हमने कच्चा लिया है, इसलिए हमने आलू को पकाना है, पहले फ्राई करना है। और तो देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। और यहाँ पर हमने एक पैन को गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, यानी 2 चम्मच, और तेल को गर्म होने देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे आलू। पहले हमें आलू को फ्राई करना है। एक साथ नहीं डालेंगे आलू अंडा, पहले मैं आलू डाल रही हूँ। तो ये सारे आलू हमने डाल दिए और इसको फटाफट से फ्राई करके निकाल लेंगे, यानी हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़े से ये गोल्डन हो जाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का कलर भी चेंज हो गया है और ये लाइट गोल्डन हो गए, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमने निकाल करके रख लिया है। इसको मैं अभी साइड में रखती हूँ और इसी तेल में अंडा को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये मैं अंडा डाल देती हूँ इसमें और अंडे को भी हम फ्राई कर लेंगे। अभी हमने कम तेल डाला है, ज़्यादा तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे भी फ्राई हो चुके हैं। इसी प्लेट में हम अंडा को भी निकाल लेंगे और फिर से हम इसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, यानी 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें फिर से तेल डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। और तेल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टी स्पून शाही जीरा। अगर ये ना हो तो फिर नॉर्मल जीरा जो डालते हैं, सफ़ेद जीरा, वो डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। और 2 तेज़पत्ते, 2 टोपी दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 1 छोटी इलायची हमने डाला है, और ये बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से चॉप किया था। और प्याज को हमें अभी लाइट ब्राउन कर लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इसमें हम डाल देंगे 3 सूखी लाल मिर्च। अगर आप ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च इसमें बहुत अच्छा लगता है। प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। तो देखिए, ये अदरक लहसुन थोड़ा सा भून चुका है। तो अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो ये आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च लिया है, ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले को डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि मसाले जले ना। और 2 मीडियम साइज़ की इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को भी हमने बारीक चॉप किया था और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो ये 3/4 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है और अच्छे से मिला लेंगे इसे। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, यानी 2 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं। और अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे तरह से मिल गई है, और मसाले हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो ये मैं आलू डाल देती हूँ अभी और खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आलू भी फ्राई किया हुआ है तो हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो ये आधा कप हमने अभी पानी डाला है।
और इसे हम ढक देंगे और ढक करके पकने देंगे आलू के सॉफ्ट होने तक, यानी 7 से 8 मिनट तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। एक बार हमने इसमें चेक भी किया था इसे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया आलू। अगर ग्रेवी और चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, वैसे मैं भी अभी पानी डालूंगी इसमें। और ये अंडा डाल देती हूँ, अंडा डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, ज़रूर से बनाइएगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 पिंच गरम मसाला, आधा टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर डालिएगा तो टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अभी सूखा सूखा सा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, यानी 1/4 कप। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पर आप इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो डाल लीजिएगा। और इसे पकने देंगे 2 मिनट के लिए ढक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हमने इसे पका लिया फिर से। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो अंडे की जो जर्दी है ना वो काली पड़ जाती है। और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया पत्ता। और ये बस हमारा आलू अंडा कड़ी बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।